फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे मिस्टर अमर एक्सपेरिमेंट में। मैं अमर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड। आज मैं आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर एम्पलीफायर बना के दिखाऊंगा, किस तरह से वर्क करेगा आपको मैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए मेकिंग को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड। तो देख पा रहे हैं ये जो सर्किट है मेरे पास, कुछ इस तरह का सर्किट है। मैं इस सर्किट को यूज़ करके मैं एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर स्पीकर बनाऊंगा। और फ्रेंड, ये जो सर्किट देख पा रहे हैं ये काफ़ी बेहतर सर्किट है, ये 12 वोल्ट पे रन करता है फ्रेंड। मैं इसके बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा, तो फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देख पा रहे फ्रेंड, ये मैंने पहले एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाया था, उसका ही बॉक्स है। तो मैंने इसको इस तरह से खोल लिया है, देख पा रहे हैं इसके अंदर में दो स्पीकर लगा हुआ है। यहाँ पर 30 वाट करके देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 30 वाट चार रूम में। तो मैं इसको पहले से फिक्स करके रखा हूँ, बॉक्स बना के रखा हूँ, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड। देख पा रहे हैं ये जो है एक PVC पाइप का टुकड़ा है, जो मैंने मेजर के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से काट लिया है यहाँ पर। अब देख पा रहे हैं ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को मैं यहाँ पर लगाऊंगा फ्रेंड, यहाँ पर कट कर लूंगा ताकि ये बैठ जाए यहाँ पर। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। अब देख पा रहे हैं छोटा छोटा PVC पाइप का टुकड़ा इसमें दे दिया है। अब चलिए इसको जो दाग दिए हैं यहाँ पर होल कर लेंगे फ्रेंड, और इसको कलर कर लेते हैं। देख पा रहे फ्रेंड, मैंने इसको कलर कर लिया है। अब चलिए मॉड्यूल को यहाँ पर फिट कर लेंगे। अब चलिए जो चार स्क्रू है इसको भी लगा लेते हैं। तो देख पा रहे फ्रेंड, मैंने चारों स्क्रू को इस तरह से कस दिया है। अब चलिए स्पीकर को जोड़ते हैं। देख पा रहे फ्रेंड, दो मेरे पास स्पीकर है इस तरह से फिट किया हुआ। इसका वायर को निकाल लेते हैं चलिए यहाँ से। देख पा रहे फ्रेंड, ये जो दो वायर है इसको मैं स्पीकर में जोड़ूंगा। तो देख पा रहे ये जो होल है, इस होल में ये दोनों तार को इधर से पार कर लेंगे। देख पा रहे फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस होल से पार कर लिया। अब चलिए स्पीकर को जोड़ लेते हैं। देख पा रहे फ्रेंड, मैंने स्पीकर को जोड़ दिया है। तो फ्रेंड, स्पीकर का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसका ध्यान में रख के आप प्लस और माइनस को जोड़ेंगे इस तरह से। चलिए इसका तो काम हो गया है, इसके ऊपर वाला जो भाग है इसको फिट कर देते हैं। तो देख पा रहे हैं पहले से मैं बना के जो रखा था, इसका ऊपर वाला भाग है फ्रेंड। तो ये जो देख पा रहे हैं स्विच विच ये सब काम में नहीं लगेगा, ये सब ऐसे ही रहेगा। तो चलिए इसको यहाँ लगा देते हैं इस तरह से। इस तरह से लगा दिए हैं फ्रेंड। अब लगाने के बाद चलिए थोड़ा सा चिपका देते हैं ताकि आवाज सही से आए। तो फ्रेंड चलिए यहाँ का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पीकर का दो कनेक्शन होगा और यहाँ पर एक बैटरी का कनेक्शन होगा फ्रेंड। स्पीकर का चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख पा रहे इस तरह से डायरेक्ट लगा देने से स्पीकर का कनेक्शन हो जाएगा, इसमें सोल्डिंग नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड। तो देख पा रहे मैंने इसको लगा दिया है। अब चलिए बैटरी का कनेक्शन करके आपको एक टेस्टिंग देते हैं। तो फ्रेंड देख पा रहे मेरे पास एक 3.7 वोल्ट का एक बैटरी है, जो कि 1200 mAh का बैटरी है। ये लिथियम आयन बैटरी है फ्रेंड, मैं यही बैटरी का यूज़ करूंगा। यहाँ पर भी मैं कनेक्टर लगा के रखा हूँ। तो चलिए बैटरी को जोड़ देते हैं फ्रेंड। तो देख पा रहे फ्रेंड, मैंने बैटरी को जोड़ दिया है। अब चलिए ऑन करके देखते हैं। तो देख पा रहे ब्लूटूथ मोड ऑन हो गया है फ्रेंड। तो चलिए अभी इसको फिट कर देते हैं। ये जो बैटरी है फ्रेंड, ये बैटरी को यहाँ पर चिपका देंगे। अब चलिए ढक्कन को बंद कर देते हैं। अब चलिए इसको चिपका लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं बन के रेडी हो गया है, कितना मस्त दिख रहा है फ्रेंड, देख पा रहे हैं। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। देख पा रहे ब्लूटूथ मोड हो गया है फ्रेंड।
अब चलिए इसको थोड़ा सा आपको एनसीएस सॉन्ग सुनाते हैं बजा के, तो देख पर फ्रेंड क्लियर हो गया है। अब चलिए एनसीएस बजाते हैं, तो फ्रेंड चलिए ऑन करते हैं। तो देखा आपने फ्रेंड किस तरह का वॉल्यूम और किस तरह का साउंड है। तो फ्रेंड ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है बहुत ही जबरदस्त बना है और इसका साउंड क्वालिटी भी मस्त है। फ्रेंड आप इस तरह का एक ब्लूटूथ स्पीकर इस मॉड्यूल को लगा के बना सकते हैं। इस मॉड्यूल में फ्रेंड एक खासियत और अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर देख पा रहे हैं डीसी 5 वोल्ट, यहाँ से डायरेक्ट आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं चार्जर लगा के, तो मुझे ये भी अच्छा लगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं माइक का भी ऑप्शन है, तो आप माइक लगा के आप कुछ इसमें सॉन्ग गा सकते हैं या फिर कुछ अलाउंस कर सकते हैं। और फ्रेंड ये जो बना है फ्रेंड इस तरह का आप बना के घर में यूज भी कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है, साउंड क्वालिटी भी मस्त है फ्रेंड। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। और ये जो मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, इस मॉड्यूल का मैं एक एम्पलीफायर बोर्ड बना के दिखाऊंगा, इसका जो साउंड क्वालिटी है फ्रेंड जबरदस्त है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में भी बताऊंगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू फ्रेंड।